जीवन मंत्रा योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, शरीर के किसी भी हिस्से में उठने वाली गांठ या रसौली एक ऐसा मान्य लक्षण है जिसे गंभीरता से आपको लेना ही चाहिए। ये गठाने पस या टीवी से लेकर कैंसर तक की बीमारियों के सूचक हो सकती हैं। गठान अथवा ठीक नहीं होने वाला छाला व असामान्य आंतरिक या बाह्य रक्तस्राव कैंसर के कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शरीर में उठने वाली हर गांठ कैंसर हो, लेकिन अधिकांश कैंसर रहित गठाने किसी उपचार योग्य साधारण बीमारी की वजह से ही होती हैं। लेकिन फिर भी इस बारे में सावधानी आपको बरतनी चाहिए। इस प्रकार की किसी भी गठान की जांच अत्यंत आवश्यक है ताकि समय रहते निदान और इलाज शुरू हो सके। चूंकि लगभग सारी गठाने शुरू में वेदनाहीन होती हैं, यानी कि उनमें दर्द नहीं होता है, इसलिए अधिकांश व्यक्ति नासमझी या ऑपरेशन के डर से डॉक्टर के पास नहीं जाते। साधारण गठाने भले ही कैंसर की ना हो, लेकिन इनका भी इलाज आवश्यक होता है। उपचार के अभाव में ये असाध्य रूप ले लेती हैं, परिणाम स्वरूप इनका उपचार लंबा और जटिल हो जाता है। कैंसर की गठानों का तो शुरुआती अवस्था में इलाज होना और भी जरूरी होता है। कैंसर का शुरुआती दौर में इलाज हो जाए तो मरीज के पूरी तरह से ठीक होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। यदि आपके शरीर में भी किसी भी किस्म की गांठ है तो उसके लिए ये चिकित्सा चाहे किसी भी कारण से हो सफल जरूर होती है। दोस्तों, अगर आप घर पर किसी भी गांठ को खत्म करना चाहते हैं तो आपको कचनार की छाल और गोरखमुंडी आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। ये दोनों जड़ी बूटियां आपको किसी पंसारी या आयुर्वेद की दुकान पर मिल जाएंगी। अब विधि जान लीजिए। सिर पर से कटा हुआ एक कचनार का पत्ता ले लीजिए, इसकी शाखा की छाल ले लीजिए, तने की नहीं लेनी है। उस शाखा की छाल लें जो 1 इंच से 2 इंच तक मोटी हो। बहुत पतली या बहुत मोटी टहनी की छाल आपको नहीं लेनी है। अब गोरखमुंडी का पौधा जो आपको आसानी से नहीं मिलता है, इसे जड़ी बूटी बेचने वालों से आप खरीदें या आप अपने पंसारी से इसको ले लें। अब इसको प्रयोग कैसे करना है जरा देख लीजिए। प्रयोग के लिए कचनार की जो ताजा छाल है उसे 25 से 30 ग्राम, ये सूख कर 15 ग्राम के करीब हो जाएगी, इसको मोटा मोटा कूट लीजिए। 1 ग्लास पानी में इसको उबालिए। जब 2 मिनट तक ये उबल जाए तब इसमें 1 चम्मच गोरखमुंडी, यानी कि मोटी कुटी और पिसी हुई होनी चाहिए गोरखमुंडी, डाल लीजिए। अब इसे 1 मिनट तक फिर उबलने दें और उसके बाद छान लें। हल्का गर्म रह जाए तो आप इसे पी लें। ध्यान दें, ये कड़वा है परंतु चमत्कारी है। गांठ कैसी ही हो तो ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी, कभी भी असफल नहीं होगी। अधिक लाभ के लिए दिन में 2 बार आप इसे ले सकते हैं। लंबे समय तक लेने से ही आपको लाभ होगा। 20-25 दिन तक आपको कोई लाभ नहीं होगा तो निराश होकर इसको बीच में नहीं छोड़ना है, आपको इसका प्रयोग करते रहना है। गांठ को घोलने में कचनार पेड़ की छाल बहुत अच्छा काम करती है। आयुर्वेद में कचनार गुग्गल इसी मकसद के लिए दी जाती है, जबकि एलोपैथ में ऑपरेशन के सिवाय कोई चारा नहीं है। अब हम आपको कुछ और प्रयोग भी बताने जा रहे हैं जिनसे आपकी गांठ घुल सकती है। गेहूं के आटे में पापड़ खार तथा पानी डालकर पुल्टिस बनाकर लगाने से ना पकने वाली गांठ पककर फूट जाती है और दर्द कम होता है। दूसरा प्रयोग देख लीजिए। आंकड़े के दूध में मिट्टी भिगोकर लेप करने से तथा निर्गुंडी के 20 से 50 मिलीलीटर काढ़े में 1 से 5 मिलीलीटर अरंडी का तेल डालकर पीने से लाभ होता है। सुहागे को पीस कर लगाने से रक्त का बहना तुरंत बंद होता है तथा घाव शीघ्र भर जाता है। अरंडी के बीजों की गिरी को पीस कर उसकी पुल्टिस बांधने से अथवा आम की गुठली या नीम या अनार के पत्तों को पानी में पीस कर लगाने से फोड़े फुंसी में लाभ होता है। अब अगर किसी को फोड़े फुंसी या मवाद है तो उसमें आपको क्या करना है जरा देख लीजिए। पीठ का फोड़ा होने पर गेहूं के आटे में नमक तथा पानी डालकर गर्म करके पुल्टिस बनाकर लगाने से फोड़ा पककर फूट जाता है। अरंडी के तेल में आम के पत्तों की राख मिलाकर लगाने से लाभ होता है। थूहर के पत्तों पर अरंडी का तेल लगाकर गर्म करके फोड़े पर उल्टा लगाएं, इससे सब मवाद निकल जाएगा। घाव को भरने के लिए 2-3 दिन सीधा आपको लगाना है। अब अगर किसी को गंडमाला की गांठें हैं तो क्या करना है जरा देख लीजिए। गले में दूषित हुआ बात, कफ और मेद गले के पीछे की नसों में रहकर क्रम से धीरे धीरे अपने लक्षणों से युक्त ऐसी गांठें उत्पन्न कर लेता है जिन्हें गंडमाला कहा जाता है। मेद और कफ से बगल, कंधे, गर्दन, गले और जांघों के मूल में छोटे छोटे बेर जैसी अथवा
बड़े बेर जैसी बहुत सी गांठें जो बहुत दिनों में धीरे धीरे पकती हैं, उन गांठों की हारमाला को गंठमाला कहते हैं, और ऐसी गांठें कंठ पर होने से कंठमाला कही जाती हैं। इसमें आपको क्रॉन्च के बीच लेकर घिसकर दिन में 3 बार लेप करिए तथा गोरखमुंडी के पत्तों का 8-8 तोला रस रोज पीने से गंठमाला यानी कि जो कंठमाला है उसमें लाभ होगा। इस बीच आप कफ को बढ़ाने वाले पदार्थ बिल्कुल ना खाएं। अब आपके कांख फोड़ा हो जाता है बगल में कांख में, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप कुचले को बारीक पीस कर पानी में थोड़ा गर्म करके उसका लेप करने से या अरंडी का तेल लगाने से या गुड़ गुगुल और राई का चूर्ण समान मात्रा में लेकर पीस कर थोड़ा पानी मिलाकर गर्म करके लगाने से कांख फोड़े में लाभ मिलता है। जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।